हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज की इस वीडियो में मैं आपको डराने के लिए भूतों की बेहद डरावनी और बड़ी ही खतरनाक कहानियां लेकर आया हूँ। दोस्तों, पहली कहानी आंसू जी की है और आगे की कहानी मैं आपको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम आंसू है। ये मेरे और मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 8-10 साल पहले की है। वो मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था जब मैं मेरे चाचा के साथ खेत में काम करके वापस घर लौट रहा था। उस वक्त रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे। मैं और चाचा घर के बेहद करीब, या यूं कह लो कि घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक मेरे चाचा की तबीयत बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। चाचा के अचानक बेहोश हो जाने से मैं बहुत घबराया हुआ था। खैर, फिर गांव वालों की मदद से हम चाचा को घर पर लेकर आए। चाचा की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। घर पर भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चाचा को क्या हुआ। फिर किसी गांव वालों के कहने पर हमने गांव के भगत को हमारे घर पर बुलाया। जब भगत हमारे घर आया तो उसने चाचा को देखते ही कह दिया कि इनके ऊपर चौकड़ी वाले पीपल के प्रेत का साया है। दरअसल चौकड़ी वाले पीपल का पेड़ हमारे खेत आने वाले रास्ते के बीच में ही पड़ता है। भगत की बात सुनकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। दरअसल खेत से घर आते वक्त जब हम चौकड़ी वाले पीपल के पास से गुजर रहे थे तभी चाचा ने मुझसे कहा कि तू चल, मैं पेशाब करके आता हूँ। मैंने ये पूरी बात जब भगत को बताई तो भगत ने कहा कि इन्होंने गलती से उसी चौकड़ी वाले पीपल के नीचे पेशाब कर दिया है, तभी उस पेड़ पर सालों से रहने वाला प्रेत इनके पीछे लग गया है। भगत की बातें सुनकर हम सब भी सकते में आ गए और तभी अगले ही पल चारपाई पर बेहोश पड़े मेरे चाचा की नाक से खून बाहर आ गया और साथ ही उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर निकल आई। और इससे पहले कि हम और भगत कुछ कर पाते कि तभी चाचा की तड़प कर मौत हो गई। चाचा के मरते ही घर में मातम पसर गया और चाची रोते बिलखते हुए चाचा के सीने से लिपट गए। दोस्तों, आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया में हमारी छोटी सी गलती भी हमें किन मुसीबतों में डाल देगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरे साथ जो हुआ, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। ये बात 3 साल पहले की है। मैं अपने दोस्त विकी की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। पार्टी पर हम सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे और फिर विकी के कहने पर कि चलो सब अपनी अपनी बाइक लेकर हाईवे पे दौड़ाते हैं और फुल मजा करेंगे, तो मैं और विकी के बाकी दोस्त हाईवे पर अपनी अपनी बाइक लेकर पहुंच गए। फिर विकी का इशारा मिलते ही हम सब ने बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया। विकी का प्लान था कि सभी हाईवे पर बाइक दौड़ाते हुए विकी के घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्टार ब्लू होटल पर रुकेंगे और फिर खाना पीना करके वापस विकी के घर के लिए निकलेंगे। दरअसल स्टार ब्लू उस शहर का सबसे पॉपुलर होटल था। मैं और विकी के पाके दोस्त उस होटल पर जाने को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। खैर, फिर हम होटल पहुंचे और फिर सभी अपनी अपनी मस्ती में लग गए। हम सब होटल में मस्ती कर ही रहे थे कि तभी मेरे फोन पर एक जरूरी कॉल आया, लेकिन होटल पर काफी शोर शराबा हो रखा था, लिहाजन मैं फोन उठाते हुए होटल से बाहर आ गया। होटल से बाहर आकर मैं फोन पर अपने दोस्त वैभव से बातें करने लगा। मैं वैभव से बातें कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर होटल के ठीक सामने रास्ते के दूसरी ओर खड़ी उस लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो उन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं फोन पर बातें करते हुए उस लड़की को देख ही रहा था कि तभी उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ी और तब उस लड़की को अपनी तरफ आता देखकर मैंने जल्दी से अपनी नजरें उस लड़की से हटा ली। मगर ना जाने उस लड़की में कैसी अट्रैक्शन थी कि ना चाहते हुए भी मेरी नजरें बार बार उसी लड़की पर टिक जाते थे। खैर, कुछ ही देर में
फोन पर मेरी वैभव से बात खत्म हुई। लिहाजन मैं फोन जेब में रखते हुए होटल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी वो लड़की एकाएक जोर जोर से रोने बिलखने लगी। वो देखकर मैं कुछ समझ तो नहीं पाया, पर मैंने उस लड़की को आवाज देते हुए पूछा कि क्या बात है और वो क्यों रो रही है। मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी वो लड़की उठी और रास्ते के दूसरी ओर फैले घने जंगल में चली गई, और अगले ही पल वो लड़की मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। ना जाने उस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि मैं भी उस लड़की का पीछा करता हुआ जंगल के अंदर चला गया। जंगल के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, लिहाजा मैंने अपने फोन की फ्लैश लाइट चालू कर ली। फिर मैं जंगल के थोड़ा और अंदर गया ही था कि तभी किसी अनजान साये ने मुझे जोर का धक्का दिया, जिस वजह से मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाता कि तभी मेरी नजर मेरे सामने खड़ी उस विकराल प्रेतनी पर पड़ी जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उस खौफनाक प्रेतनी को देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और खौफ से मेरी मरड़तौल चीख निकल गई। और तभी एक झटके से उस प्रेतनी ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया। दोस्तों उस वक्त मेरी क्या हालत थी ये आप समझ सकते हैं। उस प्रेतनी ने मेरी गर्दन को इस कदर जकड़ रखा था कि कुछ ही देर में मेरी सांसें अटकने लगी और मेरा दम घुटने लगा। दर्द और खौफ से मैं उस प्रेतनी के सामने रोने बिलखने लगा, लेकिन तभी वो प्रेतनी बेरहमी से मेरे मांस को नोचने लगी और मेरे मांस के लोथड़ों को बेरहमी से चबाने लगी। और फिर इसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। एकाएक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं उस जंगल के बीच जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। फिर जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा मेरे पूरे शरीर पर नोचने और खरोचने के निशान बने हुए थे और मेरे चारों तरफ मांस के लोथड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। खैर मैं दर्द से कराहते हुए मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और जैसे तैसे मैं उस जंगल से बाहर निकला। बाहर हाईवे पर मेरी ऐसी हालत देखकर एक ट्रक वाला मेरे पास आकर रुका और फिर उस भले इंसान ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और फिर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मेरे शरीर पर लगभग 10-12 टांके लगे। दोस्तों उस रात मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, और जिस लड़की को देखकर मैं उसका पीछा करते हुए उस जंगल में गया था मुझे ये भी नहीं पता कि क्या असल में वही प्रेतनी थी। खैर जो भी रहा हो मुझे इस बात की तसल्ली है कि आज मैं जिंदा हूं। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम विनोद है, ये मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों वैसे तो हम अब शहर में रहते हैं, मगर जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आज से 10-12 साल पहले की है। उन दिनों मेरे दादाजी गांव में रहा करते थे। दोस्तों आपको तो पता ही है कि गांव में लोगों के पास खेत और बाग हुआ करती हैं। ठीक ऐसे ही मेरे दादाजी के पास एक काफ़ी बड़ी बाग थी जिसको आमतौर पर हम लोग गंगराहा वाली बाग के नाम से जानते हैं। उस रात मेरे दादाजी बाग में मचान पर लेटे हुए थे। रात के यही कोई 10-12 बजे का वक्त रहा होगा कि तभी दादाजी को किसी ने उनके नाम से बुलाया। दादाजी के मुताबिक वो आवाज़ काफ़ी भारी और गहरी थी। लिहाजन मेरे दादाजी ने सत्ते में आते हुए अपने चारों तरफ देखा, मगर उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। खैर फिर दादाजी ने वापस घर चलने का सोचा। लिहाजा मेरे दादाजी मचाने से नीचे उतरे और घर के लिए दादाजी कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी किसी ने एक और मर्तबा दादाजी को उनके नाम से बुलाया। इस बार वो आवाज़ दादाजी के बेहद करीब से आई थी, और फिर उस आवाज़ के चलते जब दादाजी ने पीछे पलट कर देखा तो दादाजी ने जो देखा वो देखकर दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी के पीछे एक विकराल ब्रह्म राक्षस खड़ा था। उस ब्रह्म राक्षस को देखकर दादाजी के पसीने छूटने लगे। दरअसल दोस्तों वैसे मेरे दादाजी
एक बेहद ही साहसी व्यक्ति थे। उस ब्रह्म राक्षस को देखकर दादाजी ने हिम्मत दिखाते हुए उस ब्रह्म राक्षस से पूछा कि उसे उनसे क्या चाहिए। दादाजी जानते थे कि आमतौर पर ब्रह्म राक्षस बेवजह किसी को परेशान नहीं करते, और अगर कोई इंसान ब्रह्म राक्षस की चपेट में आ गया तो उसे उस विकराल राक्षस से कोई ओझा तांत्रिक बचा नहीं सकता। दादाजी के पूछने पर उस ब्रह्म राक्षस ने उनसे कहा कि तू रोज आकर यहां पर खाना खाता है, अब जब भी तुम यहां आना तो मेरे लिए कुछ खाने को जरूर लेकर आना, वरना अगली मर्तबा खाने की जगह मैं तुझे खाऊंगा। उस ब्रह्म राक्षस की बातें सुनकर दादाजी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। दादाजी ने उस ब्रह्म राक्षस के सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए ब्रह्म राक्षस से कहा कि मैं जब भी यहां आऊंगा तो अपने साथ आपके लिए खाना जरूर लेकर आऊंगा, और वो खाना इसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ दूंगा। दादाजी की बात सुनकर वो ब्रह्म राक्षस सैदानी हंसी हंसते हुए उसी पीपल के पेड़ में समा गया। दादाजी के मुताबिक फिर जब भी कभी वो उस गंगराह बाग में गए तो उस ब्रह्म राक्षस के लिए खाना अपने साथ लेकर जरूर जाते थे, और उसी पीपल के पेड़ के नीचे दादाजी वो खाना छोड़ देते थे। दोस्तों, फिर कभी हमारा या हमारे दादाजी का सामना उस खौफनाक विकराल ब्रह्म राक्षस से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अखिल है, ये मेरे और मेरे दोस्त विनीत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 5 साल पहले की है। मैं और विनीत मेरे बाइक पर फैक्ट्री से वापस घर लौट रहे थे। रात के लगभग 2-2.5 बजे का वक्त रहा होगा जब मैंने और विनीत ने फैक्ट्री से लगकर मेरे घर तक का लगभग आधा सफर तय कर लिया था। हम मेन हाईवे से हमारे घर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर उतर चुके थे। मैं बाइक चला रहा था और विनीत मेरे पीछे बैठा हुआ था। कच्चे रास्ते पर हम कुछ दूर आगे निकले ही थे कि तभी अचानक झाड़ियों की तरफ से भागती हुई एक बूढ़ी औरत मेरे बाइक के सामने आ गई, जिस वजह से हड़बड़ाहट में मैंने जोर की ब्रेक लगाई। हमने गुस्से में चिल्लाते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा कि मरना है क्या तुझे। हम इतना बोले ही थे कि तभी हमारी नजर उस बूढ़ी औरत की आंखों पर पड़ी, जो कि चमक रही थी बिल्कुल किसी नीले बल्ब की तरह। और तो और, जब हमारी नजर उस बुढ़िया के पैरों पर पड़ी तो हमने जो देखा वो देखकर मेरे और विनीत के रोंगटे खड़े हो गए। उस बुढ़िया के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उस बुढ़िया के बाल सफेद थे। वो सब देखकर हमें समझते देर नहीं लगी कि हम एक चुड़ैल की चपेट में हैं और हमारी जान को खतरा है। और फिर इससे पहले कि हम कुछ सोच समझ पाते कि तभी वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई, जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरे और विनीत के पसीने छूट गए और हम पसीने से तार तार हो गए। लेकिन फिर एक आखिरी मर्तबा मैंने हिम्मत दिखाई और उस डायन के दूर से बाइक को भगाता हुआ रास्ते के आगे निकल गया। लेकिन तभी मेरी नजर बाइक के साइड मिरर पर पड़ी और तब मैंने जो देखा वो देखकर मेरा तो मानो शरीर ही जम गया। मैंने देखा कि वो बुढ़िया गाड़ी की स्पीड से हवा में तैरती हुई हमारे पीछे आ रही है। वो देखना ही था कि मेरा तो मानो खून जम सा गया। खैर, खुद को संभालते हुए मैंने बाइक की स्पीड को और तेज किया ही था कि तभी मुझे विनीत की मरड़तौल चीख सुनाई दी। और तब मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो विनीत उस डायन की चपेट में आ चुका था, और मेरे देखते ही देखते उस डायन ने विनीत के सर को धड़ से अलग कर दिया, और रास्ते के बीचों बीच वो डायन विनीत के मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले ही रास्ते में तेज रफ्तार से दौड़ती हुई मेरी बाइक उस डायन और विनीत से काफी दूर निकल गई। दोस्तों, सच बताऊं तो उस वक्त मेरी क्या हालत थी कि मुझे काटो तो खून नहीं। खैर, फिर जैसे तैसे बाइक को भगाता हुआ मैं अपने घर पहुंचा, और फिर घर पर सभी मुझे इस कदर डरा सहमा देखकर घर वालों ने पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर
घर वाले भी सकते में आ गए। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन फिर कभी दोबारा मेरा सामना उस नरबच्छी डायन से नहीं हुआ, मगर आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त विनीत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम आदित्य है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात महज कुछ महीनों पहले की है। उस दिन मैं अपनी मौसी के घर घूमने के लिए गया हुआ था। दरअसल दोस्तों, वैसे तो मैं शहर में रहता हूँ, मगर मेरी मौसी का घर गांव में है, और गांव से शहर जाने के लिए सिर्फ एक बस है जो गांव से शहर के लिए निकलती है। लेकिन वो बस स्टैंड गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। खैर, जैसे तैसे मैं उस गांव में मेरी मौसी के घर पहुंचा। मेरे घर पहुंचने पर मौसी ने मेरे चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। चाय नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ देर मौसी के साथ बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की, लेकिन सफ़र के दौरान मैं बेहद थक गया था। लियाजन मौसी से कुछ देर बातें करने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। खैर, फिर जब मेरी आँख खुली तो रात के यही कोई 8-8:30 बजे का वक्त रहा होगा, जब तेज टॉयलेट आने की वजह से मैं मौसी के घर से बाहर निकला और झाड़ियों के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र झाड़ियों के बीच चमकती दो लाल आंखों पर पड़ी। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक झटके से उस शैतान ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीट कर झाड़ियों के बीच ले गया। उस नरबच्ची शैतान को देखकर मैं खौफ से चीखने चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मौसी भागती हुई घर से बाहर आ गई, और तब मौसी के आते ही उस शैतान ने मुझे उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया और एकाएक वो शैतान हवा में गायब हो गया। इस बीच मेरी हालत इस कदर खराब हो रखी थी कि मैं कुछ सोचने समझने के लिए काबिल नहीं बचा था। खैर, फिर मौसी ने मुझे संभालते हुए वो मुझे घर के अंदर ले गए। कुछ देर बाद जब मैंने वो संभाला तो मेरे पूछने पर मौसी ने बताया कि उन झाड़ियों के बीच उन्हीं के पड़ोस के एक आदमी की लाश दफन है, और तुमने अनजाने में उस आदमी की कब्र पर टॉयलेट कर दिया था, लिहाजा उस मुर्दे ने गुस्से में आकर तुम्हें अपनी चपेट में ले लिया था। मौसी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और फिर मैंने मौसी से पूछा कि आपके आने पर अचानक से वो शैतान हवा में कैसे गायब हो गया था। मेरी बात सुनकर मौसी ने बताया कि एक दफ़ा तुम्हारे मौसा जी का भी पाला इस शैतान से पड़ चुका है, और तब तुम्हारे मौसा जी से उस शैतान को एक ओझा बाबा ने उस शैतान के साये को तुम्हारे मौसा जी की चपेट से हटवाया था, और तब उन ओझा बाबा ने हमें दो ताबीज़ दिए थे जिसमें से एक मैंने और एक तुम्हारे मौसा जी ने पहन रखा है, जिस वजह से हमारा फिर कभी सामना उस शैतान से नहीं हुआ। साथ ही इस ताबीज की ताकत से वो शैतान दूर ही रहता है। और फिर आगे मौसी ने बताया कि आज इस ताबीज की वजह से ही तुम्हारी जान बच पाई है, वरना वो शैतान अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। मौसी की बातें सुनकर मेरा शरीर पीला पड़ गया, और अगले ही दिन मैंने अपना सामान बांधा और मौसी को बिना बताए मैं उस गांव से वापस अपने शहर लौट आया, और फिर कभी दोबारा मैं उस गांव में नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। ऐसे ही डरावनी भूत प्रेतों की बेहद खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे एक बेहद ही खौफनाक और रियल हॉरर स्टोरीज के साथ, एक बेहद ही खौफनाक हॉरर एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद आप सभी को स्लीप म्यूजिक सुनने को मिलेगा। जो लोग स्लीप म्यूजिक ना सुनना चाहें आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं।